आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत। मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत। कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मरकस की अंजील के तफसीरी मताला के सिलसिले में आज हमारा 40वां लेसन है। पिछले लेसन यानी 39वें लेसन में हमने देखा था कि खुदावन यीशु मसीह ने जमीन पर अपनी बादशाही का कयाम किया है और फिर बड़े जुलूस के साथ वो यरूशलेम में दाखिल हुए हैं। 39वें लेसन को हमने खजूरी अतवार का नाम दिया हुआ है कि खुदावन यीशु मसीह एक बहुत बड़े प्रोसेशन के साथ, बहुत बड़े जुलूस के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए हैं। लोगों ने होशाना के नारे लगाए हैं और खुदावन यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर सवारी करता हुआ यरूशलेम पहुंचे हैं। और हमने पहली 11 आयात में देखा था कि खुदावन यीशु मसीह जब यरूशलेम में शहाना दाखला किया है तो 11वीं आयत में लिखा है, और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ से सब चीज़ें मलाजा करके उन 12 के साथ बैतनिया को गया क्योंकि शाम हो गई थी। पिछले लेसन में हमने देखा था कि खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम में एक सर्वे किया है और यरूशलेम में इसके बाद कुछ नहीं किया क्योंकि शाम हो गई थी, वो वापस बैतनिया में आ गए हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर अतवार वाले दिन वो यरूशलेम में गए हैं और अतवार की रात वो बैतनिया में थे और दूसरे दिन से मुराद यानी मंडे यानी सोमवार का दिन है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। ये इसका सीक्वेंस है कि खुदावन यीशु मसीह अतवार की शाम बैतनिया में है और अगले दिन फिर यरूशलेम जा रहे हैं जहां पर ये पहरा शुरू होता है। और इस पहरे का जो अनवान है वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने एक दरख्त के ऊपर लानत कर दी है क्योंकि उन्हें वहाँ से खुराक नहीं मिली। इस टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे आज, लेकिन इस टेक्स्ट के इनसाइट्स हैं, इस टेक्स्ट के बारे में कुछ मालूमात हैं जो हमें चाहिए, और उन मालूमात के पढ़ने के बाद फिर हम इस टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। सो मेरे पास 7 इंफॉर्मेशंस हैं इस टेक्स्ट को च्यू करने के लिए, समझने के लिए कि ये टेक्स्ट है क्या चीज़ है, क्योंकि लोग अक्सर एतराज़ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में किसी पर लानत करना नहीं था।
तो खुदावन यीशु मसीह ने इस दरख्त पर लानत क्यों की है, और आज हमने इस हवाले को देखना है जो पहली बात इस पहरे को हमेशा मुफस्सरीन और अंजील के कारीन इसको मुश्किल तरीन हवाला समझते हैं। मुश्किल तरीन इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब बैतनिया से यरूशलम का सफ़र शुरू किया है तो उन्हें भूख लगी है। फ़र्ज़ कर लें कि ये मॉर्निंग का टाइम है, वो यरूशलम जाना चाहते हैं और वहाँ पर उन्होंने ये अंजीर के दरख्त को डांटा है या उस पर लानत की है। टाइटल्स जो हैं बाइबल मुक़दस में, जो उर्दू में और अंग्रेज़ी में जो टाइटल्स दिए हैं, उसमें तो यही लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत की है। जो टाइटल्स हैं, जो अनवान है टेक्स्ट का, वो तो यही है, लेकिन टेक्स्ट ऐसा नहीं कहता, क्योंकि टाइटल्स जो होते हैं वो बाइबल मुक़दस का हिस्सा नहीं होते। जो टाइटल होते हैं, ये हमने पैसेज को पढ़ा और उसका टाइटल बना दिया, टाइटल्स जो होते हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, वो हमने बनाए हुए हैं। सो अगर किसी ने ये टाइटल बना दिया है कि अंजीर के दरख्त ऊपर लानत कर दी है, तो शायद टेक्स्ट को जैसे किसी ने समझा वैसे उसका नाम रख दिया। सो पहली चीज़ जो इस टेक्स्ट के बारे में है वो ये है कि इस टेक्स्ट को बाइबल मुक़दस का मुश्किल तरीन हवाला समझा जाता है। मरकस की इंजील के 11वें बाब की 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत में इस टेक्स्ट को मुश्किल तरीन हवाला समझा जाता है। मुश्किल तरीन शायद इसलिए कि इस टेक्स्ट में वो काम हुआ है जो हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत से तवक्को नहीं करते। वो काम हुआ है कि हम ये नहीं जानना चाहते कि खुदावंद यीशु मसीह ने किसी दरख्त को मलाउन किया होगा। ये इस बात से यही वजह है कि ये जो हवाला है इसको मुश्किल समझा जाता है। दूसरी बात इस टेक्स्ट के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये एक पैराबल है जिसको फैक्चुअल स्टोरी का नाम दे दिया गया है। दूसरा ख्याल इस टेक्स्ट के बारे में ये है कि ये एक तमसील थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने कौम बनी इसराइल के लिए इस्तेमाल की, लेकिन उसको एक असल कहानी के तौर पर बाइबल मुक़दस में बयान किया गया है। दूसरा नज़रिया इस हवाले के बारे में ये है। तीसरा नज़रिया ये है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने वाकया ही दरख्त के ऊपर लानत की? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने वाकया ही उसको मलाउन कहा? बाइबल मुक़दस में इस हवाले में लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बस ये कहा गया है कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए, उसको मलाउन भी नहीं कहा गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की तौक़ुआत पर ये दरख्त पूरा नहीं उतरा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तू ऐसा ही रहेगा जैसा है, तू मजीद फल नहीं ला सकेगा। सो ये नाराज़गी का इजहार तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ पर लानत करना, ऐसे अल्फाज को लानत में बदल देना, ये भी इस टेक्स्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। नंबर चार पे, क्या खुदावंद यीशु मसीह वाकया ही भूखे थे? लिखा है कि उन्हें भूख लगी। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह अपनी भूख और प्यास के लिए वो किसी दरख्त पर लानत कर देंगे? क्या उनकी शख्सियत ऐसी है कि जो 40 दिन बगैर खाए पिए बियाबान में वो गुजारा कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, वो एक नाश्ता ना करने की वजह से वो एक दरख्त पर लानत कर सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम ये कहें कि खुदावंद यीशु मसीह की जो भूख थी उसके ज़ोर की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उस दरख्त पर लानत की है? ऐसा मुमकिन नहीं है,
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जात के लिए किसी पर लानत नहीं कर सकते। क्यों किया है इसका मतलब हम टेक्स्ट की स्टडी में करेंगे, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जो बियाबान में तपती सहरा में और रात की सर्दी में जो इबलीस का मुकाबला कर सकता है, 40 दिन भूखा रह सकता है, वो एक खाना स्किप करने के बाद, एक खाना छोड़ने के बाद वो इतना भूखा हो कि वो अपनी भूख से ब्लैकमेल हो के तो वो किसी दरख्त को मलाउन कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि इस हवाले को मकद्दस मरकस ने और मकद्दस मत्ती रसूल ने बयान किया है, मकद्दस लूका जिसे अनाजील मुतवाफिका कहते हैं, जिसे सिनॉप्टिक्स गॉस्पल्स कहते हैं, उन तीनों में जो दो गॉस्पलर्स हैं यानी मरकस की अंजील और मकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में ये हवाला बयान किया गया है, लेकिन मकद्दस लूका ने अंजीर के दरख्त को बयान ज़रूर किया है 13:6-9 तक, लेकिन उसमें ये वाला हवाला नहीं, बल्कि ये बताया गया है कि किसी बागबान ने एक अंजीर का दरख्त लगाया ताकिस्तान में और वो उसमें फल लेने गया और फल ना मिला तो उसने कहा इसे काट डाल, और माली ने कहा कि नहीं इसे एक साल और रहने दे, आइंदा से फल लाया तो ठीक है, अगर ना लाया तो इसे काट देना। मेरे ख्याल में शायद ये वही तमसील है जिसको बताया गया है कि ये फल नहीं लाया, और जो फल नहीं लाता उसे वो काट डालता है, जो डाली फल नहीं लाती वो उसे काट डालता है। सो ये अनाजील में इस टेक्स्ट को बयान किया गया है। अब छठी जो बात है इस हवाले के बारे में वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा हवाला यहाँ क्यों बयान किया है, या मरकस अंजील नवीस ने ये हवाला, मरकस अंजील नवीस ने ये वाला हवाला यहाँ क्यों तहरीर किया है। आप देखें गौर से सुने, एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के सामने आगे मकद्दस हफ्ता है, ज़हन में रखें, हमें कॉन्टेक्स्ट को नहीं छोड़ना। खुदावंद यीशु मसीह खजूरों के अतवार के बाद एक ऐसे जोन में दाखिल हो गए हैं जहां पर उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, जहां पर उनके मनाजरे होंगे फकीहों और फरीसियों के साथ, मजहबी कायदीन के साथ, रहनुमाओं के साथ उनकी डिबेट्स होंगी, उनके मकालमे होंगे, उनके मनाजरे होंगे, और फाइनली क्या होगा कि जुमे रात वाले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जुमे वाले दिन उन्हें क्रूसीफाई कर दिया जाएगा। उनके नारे आएंगे इसे स्लीब दो, इसे स्लीब दो। ये सारा इन्वायरमेंट खुदावंद यीशु मसीह के जहन में है क्योंकि उसके ऊपर नाहक जजमेंट होने वाली है। ये गौर से सुने कि खुदावंद यीशु मसीह जो रास्तबाज है, जो बेगुनाह है, उसके ऊपर गुनाह लादा जा रहा है, उसके जहन में स्टोरी आ गई है कि उसके ऊपर जो कातिलाना इल्ज़ामात लगे हैं जिसकी वजह से उसे मसलूब किया जाएगा, वो सारा का सारा नाहक है, और अब इस एनवायरनमेंट में वो अपने ऊपर एक नारास्त जजमेंट को देख रहे हैं, एक अनजस्ट जजमेंट को अपने ऊपर देख रहे हैं, और जिसके ऊपर अनजस्ट जजमेंट की जाए क्या उसका हक नहीं है कि वो जस्ट जजमेंट कर ले। जिसके ऊपर ना हक जजमेंट हो रही है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो हक के ऊपर कोई जजमेंट कर ले। ना रास्त जजमेंट जिसके ऊपर हो रही हो क्या उसके ऊपर रास्त जजमेंट करने का हक नहीं है, और यहाँ रास्त जजमेंट की है, वो गया है वहाँ फल नहीं मिला, तो अब ये रास्त जजमेंट है कि मेरे ऊपर तो ना रास्त जजमेंट होने लगी है, मेरे पास इख्तियार है कि मैं रास्त जजमेंट करूँ, अगर किसी जिंदगी में फल नहीं है तो मैं उसको काट डालूँ। ये छठा इनसाइट है। सातवां इंसाइट क्या है, थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या हैं,
इल्म इलाहियात के नज़र में इस टेक्स्ट को देखा जाए तो वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह अंजीर के दरख्त को जब फेस कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने टेंपल को भी फेस करना है। अब देखें, अंजीर के दरख्त में पत्ते मौजूद हैं लेकिन फल नहीं है। टेंपल में यानी हैकल में हैकल मौजूद है लेकिन हैकल वाला काम नहीं है। ये एक ही बात है, जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त के साथ किया है, यही काम उसने हैकल के साथ किया है। हैकल में भी पत्ते थे लेकिन फल नहीं थे, और हैकल के साथ भी उसने वही किया है जो उसने अंजीर के दरख्त के साथ किया है। उसने उनके तख्ते उलड़ दिए, उसने उनकी नकदी बखेर दी, उसने सब कुछ। क्यों? ये खुदा का हुक्म है कि अब इस आखिरी हफ्ते में तेरे ऊपर एक नारास्त जजमेंट होनी है, नारास्त अदालत होनी है। लेकिन इस हफ्ते में तूने दो रास्त जजमेंट्स भी करनी है, अदालतें करनी है, एक फिग ट्री के ऊपर और दूसरी टेंपल के ऊपर। ये इसका इल्म इलाहियात का लिंक है जो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ इस्तेमाल करते हैं। मैंने 7 चीज़ें बताई हैं इस हवाले के बारे में जो बिल्कुल जायज़ हैं। अब हम देखेंगे इस टेक्स्ट को कि ये टेक्स्ट क्या कहता है। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। दूसरे दिन से मैंने बताया है कि ये सोमवार का दिन है, यानी मंडे। जब खुदावंद यीशु मसीह सुबह निकले हैं तो उसे भूख लगी। भूख लगने से मुराद ये नहीं है कि वो ऐसे भूखे थे जैसे उन्होंने 40 दिन बियाबान में गुजारे थे, नहीं। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की भूख जो है वो उन्हें मतवज्जो करती है उस दरख्त की तरफ जिसमें पत्ते मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जो भूख है ये एक खुदाई अमल है, इल्हामी अमल है कि उस भूख की वजह से उन्हें वो दरख्त नज़र आए और वो दरख्त का नाम और जिक्र और उसका बयान बाइबल मुकद्दस में महफूज कर लिया जाए। ये वो भूख जो है वो इंसेंटिव देती है खुदावंद यीशु मसीह के इस काम को जो उन्होंने किया है। अब उन्होंने बैतनिया को छोड़ा है और यरूशलेम को जा रहे हैं, और यरूशलेम में आगे उन्होंने क्या करना है, हैकल की सफाई करनी है। और खुदावंद यीशु मसीह दरख्त के करीब गए हैं और लिखा है कि उसे भूख लगी, और मैंने बता दिया है कि भूख जो है वो सबब बनी है वो उस दरख्त के पास पहुंचने के लिए। और 13वीं आयत में लिखा है, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। अब देखें, ये हवाला बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। उसने दूर से देखा क्योंकि भूख लगी थी, भूख जो है वो प्रवोक कर रही है खुदावंद यीशु मसीह को, वो उकसा रही है कि इधर उधर देख। जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा तो एक अंजीर का दरख्त है जिसमें पत्ते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तरफ मतवज्जो की और ये यकीन नहीं किया कि उसमें फल होगा, कहा कि शायद उसमें फल हो। शायद खुदावंद यीशु मसीह शायद लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यकीन के साथ नहीं कह रहे कि चलते हैं कि वहां फल होगा, नहीं, शायद वहां फल हो। और आगे यह भी लिखा है कि वो गए और वहां पहुंचे तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। क्यों? क्योंकि अंजीर का मौसम ना था, अंजीर का मौसम ना था। अब अगर अंजीर का मौसम नहीं है तो फिर ये तवक्को करना कि वहाँ फल होगा ये इतना कोई सेंसेबल काम नहीं लगता। जब किसी चीज़ का मौसम ही नहीं है तो फिर ये तवक्को करना कि वहाँ से फल मिल जाएगा ये कोई ऐसा इतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, मैं बताऊंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अगर उनको इल्म है
कि वहां फल नहीं है या वो फल नहीं पाएंगे, तो फिर शागिर्दों के साथ वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्या खुदावन यीशु मसीह जिसने इस दरख्त को बनाया है, जिसने इस दरख्त को लगाया है, जिसने इस दरख्त को बढ़ाया है, बरकत दी है, क्या वो इतना कम इल्म है कि उसे इल्म नहीं है कि उसमें फल नहीं है? उनको इल्म था कि उसमें फल नहीं है, क्योंकि जब भी खुदावन यीशु मसीह कोई मौजज़ा करते हैं, कोई तमसील करते हैं, कोई कलाम करते हैं, तो वो अपने लिए नहीं करते बल्कि अपने शागिर्दों और अपने लोगों के लिए करते हैं। खुदावन यीशु मसीह की भूख जो है वो एक अलामत बनी है अंजीर के दरख्त के पास जाने की, ताकि शागिर्दों को एक और नया लेसन दे दिया जाए यरूशलेम जाने से पहले पहले कि ये अंजीर का दरख्त है, ये वैसी की वैसी हैकल है जिसके लिए हम यरूशलेम जा रहे हैं। हैकल भी हैकल तो है, लेकिन हैकल में खुदा की वर्शिप नहीं हो रही। अंजीर भी अंजीर तो है, लेकिन अंजीर में अंजीर नहीं मिलेंगे। ये शागिर्दों को लेसन देना और टेंपल के लिए प्रिपेयर करना था कि शागिर्द ये बात जान जाएं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसको हम लॉजिकली भी डेवलप करेंगे। अब ये नहीं है कि सिर्फ हम इसको इल्मे इलाहियात में देखेंगे, बल्कि इसको लॉजिकली भी डेवलप करेंगे। क्यों? इसके लिए हमें अंजीर के दरख्त का मताला करना होगा, अंजीर के दरख्त का मताला करना होगा। अंजीर का जो दरख्त है उसकी दो किस्में हैं, दो किस्में हैं। एक किस्म जो है वो साल में तीन बार फल लाती है, और दूसरी किस्म जो है वो साल में दो बार फल लाती है। और ज़्यादातर जो अंजीर की किस्में हैं वो साल में दो बार फल लाती हैं। अगर आप अंजीर के बारे में पढ़ें तो आपको इल्म होगा कि अंजीर का जो दरख्त है वो साल में दो या तीन बार फल लाता है। सो लिहाजा अगर आप यसाया 28 बाब की 4 आयत और यरमिया 24 बाब की 2 आयत देखेंगे तो ये एक ऐसा अंजीर का दरख्त यहाँ मिलेगा जो अर्ली फल लाता है, यानी पहला फल पहले मौसम का फल है। और फिर अगर आप यरमिया 8 बाब की 13 आयत और यरमिया 29 बाब की 17 आयत में देखेंगे, वहाँ पर वो अंजीर का दरख्त है जो दूसरा फल लाता है, यानी पहला फल और दूसरा फल। और फिर मैंने बताया कि अंजीर का दरख्त जो है वो साल में दो या तीन बार फल जरूर लाता है। अब अंजीर का दरख्त और इंसान, इसका आपस में बड़ा रिश्ता रहा है। अगर आप बाग अदन में जाएं तो वहां पर भी आपको अंजीर का दरख्त मिलता है जिसने इंसान के गुनाहों को छुपाने की कोशिश की। आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो वो नंगे हो गए, तो यही पौधा था जिसने आदम और हवा के गुनाहों को छुपाने की कोशिश की। और उस वक्त भी ये अंजीर का पौधा इंसान की पूरी मदद नहीं कर सका था, खुदा ने कोई अलग मंसूबा बना लिया था। सो ये अंजीर का दरख्त जो है ये उस वक्त भी इंसान के काम आने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं आ सका। और यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें थोड़ा सा धोखा देने की भी अहलियत मौजूद होती है। ये अंजीर का जो दरख्त है इसमें इंसानों को धोखा देने की भी अहलियत होती है। क्यों? इसलिए कि अंजीर का दरख्त जो है वो जब फलता है तो ये मार्च अप्रैल में पहले इसके छोटे छोटे फल निकलते हैं। मार्च अप्रैल में छोटे छोटे फल निकलते हैं, उनको कहते हैं तागश, तागश कहते हैं इब्रानी जबान में। और तागश का जो मतलब है वो है डिसीव, धोखा देना। छोटे छोटे फल निकलते हैं मार्च अप्रैल में, जिनको हम तागश TAGASH कहते हैं, और इनको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट ऑफ द ट्री, के अंजीर के दरख्त का एक फॉल्स फ्रूट यानी झूठा
फल जो है उसको टारिस कहते हैं, जो मई में झड़ जाता है और जून में फिर दोबारा से लगता है। जो असल वाले अंजीर होते हैं वो मई जून में क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ये जो टागिश है ये मार्च और अप्रैल में होना चाहिए, ये इसकी सिफ्त है। चाहे इसको फॉल्स फ्रूट ही कहते हैं लेकिन इसमें फल होना चाहिए। और ये जो फल है यहूदी बड़े शौक के साथ, जैसे खजूरों का फल होता है, पहले कच्ची खजूरें होते हैं और लोग वो भी बड़े शौक के साथ खाते हैं, और बाद में जो पकी होती हैं उनको भी बड़े शौक के साथ खाया जाता है। इसी तरह अंजीर, जो कच्चा अंजीर जिसे फॉल्स फ्रूट कहते थे, ये मार्च अप्रैल में होना चाहिए था और यहाँ पर नहीं था, ये यहाँ पर नहीं था। आप देखें यहाँ तो लिखा है सीजन नहीं था। सीजन के बारे में बताया गया है कि पक्के अंजीरों का सीजन तो नहीं था लेकिन कच्चे अंजीरों का सीजन था, कच्चे अंजीरों का सीजन। एक और बात सुने जो बड़ी खूबसूरत है, जो हमारी मदद करेगी, वो ये है कि अंजीर के दरख्त में खूबसूरती ये है कि वो पत्ते बाद में और फल पहले देता है। अंजीर के दरख्त की जो खूबसूरती है, ये नोटेबल चीज है हाजरीन के लिए और नाजरीन के लिए, कि अंजीर का दरख्त जो है पहले उसको फल लगना शुरू होते हैं, जिसको टागिश कहते हैं, कच्चे अंजीर लगना शुरू होते हैं और उसके बाद पत्ते निकलते हैं। लिहाजा अगर किसी दरख्त पर पत्ते मौजूद हैं तो वो पत्ते इस बात का सबूत हैं कि वहां पर अंजीर या टागिश अंजीर या फॉल्स अंजीर जरूर होने चाहिए। खुदावन यीशु मसीह कभी हो ही नहीं सकता कि उनको इल्म ना हो कि वहां पर अंजीर नहीं है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के पास जो अलूम है वो आसमानों के और जमीन की इंतहा के, वहां उनके पास इल्म है। तो क्या उन्हें ये इल्म नहीं है कि वहां पर टागिश मौजूद नहीं है? वो जानते हैं कि वहां फल नहीं है। खुदावन यीशु मसीह जानते हैं कि वहां फल नहीं है और शागिर्द ये जानते हैं कि वहां फल है, क्योंकि सीजन जो है वो पक्के अंजीरों का नहीं है लेकिन कच्चे अंजीरों का सीजन है। क्योंकि पत्ते अगर होंगे तो पत्ते इस बात का सबूत होंगे कि फल पहले आता है, पत्ते बाद में आते हैं। सो यहां लिखा है कि उन्होंने पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, यानी वहां पर फॉल्स फ्रूट भी नहीं है और शागिर्दों को इल्म था कि वहां होगा और नहीं पाया। ये लेसन है जो शागिर्दों को दिया जा रहा है कि वहां फॉल्स फ्रूट होना चाहिए था, और जब वो नहीं मिला तो फिर खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा है? उसने उससे यानी दरख्त से कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और आखिरी फिक्रा है, और उसके शागिर्दों ने सुना। यह बड़ा नोटेबल चीज है कि उसके शागिर्दों ने सुना। उनके शागिर्दों को सुनाने के लिए खुदामद यीशु मसीह उन्हें अंजीर के दरख्त के पास लेकर आए हैं। उसके शागिर्दों ने सुना। अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर खुदामद यीशु मसीह ने क्यों अंजीर के दरख्त को ये कहा है कि आइंदा से कोई तुझसे कभी फल ना खाए, क्यों ऐसा कहा है? अंजीर का दरख्त जो है ये हिपोक्रेट है। अंजीर का दरख्त जो है यहां हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेट कर रहा है यहां। क्यों? इसलिए कि ये बता रहा है कि मेरे पास फल है लेकिन असल में इसके पास फल नहीं है। अंजीर के दरख्त का जो पैगाम है दुनिया को पैगाम ये है कि अगर मुझ में पत्ते हैं तो मेरे अंदर फल भी है, क्योंकि पत्ते फल का सबूत हैं। अंजीर के दरख्त का पैगाम यीशु मसीह जानते हैं कि इसकी प्रीचिंग झूठी है। यीशु मसीह जानते हैं कि ये पत्ते झूठे हैं। यीशु मसीह जानते हैं कि अंजीर का दरख्त रयाकार है।
यीशु मसीह जानते हैं कि अंजीर का दरख्त झूठ बोल रहा है और शागिर्दों को नहीं पता, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को लेकर गए हैं कि देख लो तुम ये कहते हो कि इसमें फल होगा, लेकिन ये अंजीर का दरख्त जो है ये झूठ बोल रहा है। ये पत्ते दिखा के, या तो पत्ते ना होते तो मैं कहता कि अभी फल नहीं आया, क्योंकि पत्ते जो हैं ये उसकी रियाकारी का मुंह बोलता सबूत है। और ये तस्वीर है इसराइल की और उन तमाम लोगों की जिनका पैगाम तो ये है कि हमारे ऊपर पत्ते हैं, जो हाथ भी उठाते हैं, जो हैलेलुया भी करते हैं, जो कलाम भी पढ़ते हैं, जो दुआएं भी करते हैं। पैगाम क्या दिया जा रहा है कि हम पत्ते रखते हैं, हमारे अंदर फल भी है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह खाने के लिए मांगता है तो हमारे पास उसके देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी जिंदगी पर अगर लानत भी की जाती तो थोड़ी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी के ऊपर लानत नहीं की, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह बतौर जज खड़े होते हैं तो वो क्या कहते हैं, ऐ मलाउनो मुझसे दूर हो जाओ। और ये खुदावंद यीशु मसीह की वो तस्वीर है जो खुदावंद यीशु मसीह अपनी आखिरी अदालत के वक्त दिखाएंगे। एक मौजजा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में किया है कि किसी दरख्त को डांटता है, लानत नहीं की, किसी दरख्त को डांटता है और उसको दुआ दे दी है कि तुझ में से कोई फल खाने ना पाए। और ये उस इसराइल की तस्वीर है जो दरख्त तो है, फल तो नहीं है, लेकिन पत्ते मौजूद हैं। और ये वो जिंदगी है जिसे मजहबियत कहते हैं, रिलीजियोसिटी, रिलीजियोसिटी नॉट स्पिरिचुअलिटी। मजहबी लोग उस वक्त के जो कायदीन थे वो मजहबी ज्यादा थे लेकिन स्पिरिचुअल नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह क्यों नाराज हुए हैं, क्यों परेशान हुए हैं? वो कहते हैं कि तुम लोग मजहबी हो, तुम लोग चंदा भी देते हो, तुम लोग इबादतें भी करते हो, तुम लोग हैलेलुया भी कहते हो, तुम लोग हाथ भी उठाते हो, तुम लोग सारे काम करते हो, लेकिन तुम लोगों में रूहानियत नहीं है। और ये चैलेंज आज के मजहबी रहनुमाओं के ऊपर भी है, ये चैलेंज मेरे लिए और आप सब के लिए है जो मसीही हैं या मसीही कायदीन हैं, उनके लिए है कि हम पत्ते तो दिखा रहे हैं, दुनिया को कलाम सुना रहे हैं, दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, दुनिया को अपने मजहबी होने का सबूत दे रहे हैं कि देखें हमारे ऊपर पत्ते हैं, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम्हारे पास पत्ते हैं तो मुझे थोड़ा सा फल खाने को दो, और हमारे पास उसके देने के लिए फल नहीं है। और ये वो तस्वीर है खुदावंद यीशु मसीह की कि वो मोहब्बत तो जरूर है लेकिन वो आदल भी है, वो आदल भी है। और ये तस्वीर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में अपनी तस्वीर दिखाई है दुनिया के ऊपर कि मैं ही हूं जो आपसे फल मांगूंगा, मैं ही हूं जो मैं आपकी अदालत करूंगा, मैं ही हूं जो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर तुम कहोगे कि हमने खुदावंद तेरे नाम से मौजे किए हैं, हमने खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें निकाली हैं, हम तुझे ऐ खुदावंद कहते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह कहेगा कि ऐ मलाउनो मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने पत्ते दिखाए और लोगों को गलत पैगाम दिया कि हमारे पास फल है, लेकिन आपके पास झूठी जिंदगी थी। आप मजहबी जरूर थे लेकिन आप रूहानी नहीं थे। इस पैसेज में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। एक कुंडी है जिसको हमने समझना है, एक गिरा है जिसको हमने खोलना है। और वो गिरा क्या है कि अंजीर का दरख्त पत्तों के देने से पहले फल देता है, पत्ते बाद में आते हैं, फल पहले आते हैं, और पत्ते इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि फल मौजूद है। और ये अंजीर का दरख्त झूठी सदा लगा रहा है,
झूठा पैगाम दे रहा है कि अगर मेरे पास पत्ते हैं तो मेरे पास फल भी होगा। और यीशु मसीह जानते हैं कि इस जिंदगी में पत्ते तो मौजूद हैं, ये जिंदगी हरी भरी है लेकिन इसमें फल नहीं है। और ये जो जिंदगी है ये खुदावन यीशु मसीह की अदालत के नीचे जरूर आएगी। ऐसी जिंदगियां जिनमें पत्ते हैं और फल नहीं है, जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। आइंदा को अगर फल लाया तो ठीक है, वरना इसे काट डालना। सो हमें खुदावन्द यीशु मसीह की जजमेंट के लिए तैयार रहना है। या तो फिर हरे पत्ते भी नहीं होने चाहिए, और अगर हरे पत्ते हैं तो फिर हरे पत्तों के साथ फल भी होना चाहिए। अगर आप मजहबी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ मजहबी हैं, मजहब की रसूमात करते हैं लेकिन आप फलदार नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम रियाकार हैं, और रियाकारों पर हमेशा खुदावन यीशु मसीह को गुस्सा आता है। खुदावन यीशु मसीह रियाकारों पर हमेशा गुस्से होता है। खुदावन यीशु मसीह नाराज होते हैं रियाकारों पर। और ये जो अंजीर का दरख्त है ये रियाकार दरख्त है, इसलिए खुदावन यीशु मसीह को इस पर गुस्सा आया है। ये अंजीर का दरख्त वो है जो अपने होंठों से तो खुदावन की ताजीम कर रहा है लेकिन इसका दिल खुदावन से दूर है। अंजीर का दरख्त होंठों से खुदावन की तारीफ करता है, और ये अंजीर का दरख्त मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, तमाम मसीही हो सकते हैं, वो तमाम लोग हो सकते हैं जो रियाकारी से अपनी जिंदगी जमीन पर बसर कर रहे हैं और अपने पत्ते तो दिखा रहे हैं लेकिन उनमें फल नहीं है। ऐसी जिंदगी को जज करना खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी में अहम है। खुदावन यीशु मसीह पर फर्ज है कि वो ऐसे शख्स को जज करे, ऐसे शख्स पर गुस्सा करे, ऐसे शख्स की अदालत करे जिसके पत्ते तो हरे हैं। ये सबूत तो है, वो कहते हैं हम बड़े रूहानी हैं, हम बड़े मजहबी लोग हैं लेकिन उनकी जिंदगी में फल नहीं है। ऐसी जिंदगी को अगर खुदावन यीशु मसीह डांटते हैं तो ये उनकी इलाही जिम्मेदारी है। इस दरख्त को डांटना खुदावन यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी, और हर उस शख्स को डांटना जो इस दरख्त की तरह रियाकार है, अपने मजहबी होने का सबूत देता है लेकिन उसमें जरा भर भी रूहानियत नहीं है। सो अंजीर के दरख्त का पैगाम यह है कि मैं तो झूठा हूं, खुदावन ने मुझे डांटा है, आपके अगर पत्ते हैं तो आपके जिंदगी में फल भी होना चाहिए, अगर फल नहीं होगा तो फिर खुदावन यीशु मसीह की डांट सुनने के लिए तैयार हो जाएं, वरना पत्ते भी ना दिखाएं। अगर पत्ते दिखाने हैं तो आप फल भी रखें। जब यीशु मेरे पास आए, आपके पास आए, भाई आए मेरे प्यारे दरख्त, खूबसूरत पत्तों वाले दरख्त, मुझे फल चाहिए, और आप कहें कि नहीं खुदावन मेरे पास तो फल ही नहीं है, फिर डांट सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और मेरी दरख्वास्त है, मिन्नत है उन तमाम ऐसे पौधों से जो हरे भरे हैं, खूबसूरत नजर आते हैं, अपनी जिंदगियों में फल पैदा करें ताकि मेरा यीशु जब मेरे पास आए, आपके पास आए, तो आपको उसे देने के लिए कुछ हो ताकि हम उसकी ज़रूरत बन जाएं। खुदा मुझे और आपको एक ऐसा अंजीर का पौधा बनाए, जब यीशु मेरे पास आए तो मैं उसे कहूँ खुदावंद मैं सिर्फ पत्ते ही नहीं, मेरे पास पके हुए अंजीर भी हैं, खुदावंद तू ये खा और अपना पेट भर, मैं तेरी इस खिदमत में खुश हूँ। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकर के नाम से आमीन।